दोस्तों देखिए, मैंने जो एसटीबीटी कॉल लिया था, एसटीबीटी कॉल पे 41 रुपीज़ के आसपास मैंने लॉस बुक कर लिया है। और ये जो भी मैंने ट्रेड लिया था, ये सेम ट्रेड मैंने मेरी ग्रुप पे शेयर किया था, तो उन लोग भी, उनके जो भी छोटा सा लॉस आया होगा वो बुक कर लिए होंगे। तो देखिए, मुझे छोटा सा लॉस आया है, किसको छोटा सा प्रॉफिट भी आया होगा। तो देखिए, एसटीबीटी कॉल पे हम निकल गए हैं और अभी तक इंट्राडे के ऊपर कोई भी पोजिशन नहीं बनाए हैं। दोस्तों, इंट्राडे के ऊपर हम जो पोजीशन बनाएंगे, 14,800 के ऊपर हम स्ट्रैडल अप्लाई करके जाएंगे। और मैंने मेरे ग्रुप पे भी ऑलरेडी शेयर कर दिया है कि 14,800 के ऊपर हम अगर काम करेंगे तो इसके ऊपर ही हम स्ट्रैडल अप्लाई करेंगे। तो हम एक डिसिप्लिन के साथ प्रॉपर एंट्री के लिए वेट करते हैं। देखिए, मार्केट अभी ये लेवल के आसपास ओपन होने के बाद 14,750 रेंज के आसपास, इसी रेंज के आसपास एक बहुत बड़ा बाइंग देखने के लिए मिला। तो लगभग कुछ मिनट के अंदर देखिए 100 पॉइंट का ऑलरेडी अप मूव भी देखा चुका है। तो मार्केट ओपन होने में 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ही हुआ है, 927 के आसपास, 15 मिनट के आसपास मार्केट ओपन हुआ है। देखिए, उतना टाइम के अंदर ऑलरेडी 100 पॉइंट के आसपास ये मूवमेंट हमको दे चुका है। तो दोस्तों, हमको एक डिसिप्लिन के साथ वेट करना पड़ेगा। जब हमको एंट्री के लिए प्रॉपर सिग्नल आएगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कब मैंने एंट्री लिया और वो सेम ट्रेड मैंने मेरे ग्रुप के साथ ही ले रहा हूँ। अगर आपको मेरे साथ डायरेक्ट लाइव मार्केट पे ऐसे काम करना है तो दोस्तों, आप मेरी व्हाट्सअप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दे दिया है। तो चलिए, हम एक बार वेट करते हैं, जब हमको एंट्री मिलेगा तब हम एंट्री करेंगे। दोस्तों, अभी एंट्री आ चुका है तो मैंने इस पर मेरी पोजिशन बना रहा हूँ। मैंने मेरे ग्रुप पे भी अपडेट कर दिया है। तो कितना स्टॉप लॉस लगाना है वो डिटेल्स भी मैंने अपडेट करता हूँ। दोस्तों, बेसिकली कॉल के ऊपर हमको 115 पे स्टॉप लॉस रखना है एंड पुट के ऊपर हमारी जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 218 लेवल के आसपास। देखिए, मैंने मेरे स्टॉप लॉस लगा दिया है। मैंने मेरे ग्रुप पे भी अपडेट कर देता हूँ। 14,800 का जो कॉल है उस पर हमारी स्टॉप लॉस 115 पे रहेगा एंड 14,800 का पुट पे स्टॉप लॉस 218 पे रहेगा। तो देखिए, दोनों पे मैंने मेरी स्टॉप लॉस ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, तो हम इसको फॉलो करके जाएंगे। 320 के आसपास ये पोजीशन को एग्जिट करेंगे। दोस्तों, 14,800 का कॉल के ऊपर मेरी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है। 14,800 पुट के ऊपर अभी मैंने मेरी पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ। तो देखिए, टाइमिंग अगर आप देखोगे 1:05 के आसपास टाइम चल रहा है, तो और भी 2-2.5 घंटा है। तो हम इस पे डिसिप्लिन के साथ वेट करके जाएंगे। 320 के आसपास जो मैंने ये पोजीशन को एग्जिट करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये 14,800 का पुट के ऊपर मैंने मेरी पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ इस पे मैंने मेरी पोजीशन को होल्ड कर रहा हूँ। तो मेजर चांस से हमको आज एक डिसेंट इनकम मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, अभी टाइमिंग 3:15 के आसपास हो चुका है। तो ये जो प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट लगभग 30,000 के आसपास चल रहा था, लेकिन मार्केट ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट नीचे की तरफ आया, तो ये प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है। देखिए, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ जाओगे, नेट नेट एक डिसेंट इनकम आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, और भी 5 मिनट के आसपास है हमारे पास, हम और वो 5 मिनट के आसपास वेट करेंगे। देखते हैं हमको जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट को बुक करेंगे। और मैंने मेरी ग्रुप पे भी शेयर कर दिया है कि 320 के आसपास हमको जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट को बुक करेंगे। और दोस्तों, उसके बाद मैंने आपको आज का मार्केट का मूवमेंट कैसा था वो डिटेल्स पे आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, हम अभी ये जो भी पोजिशन चल रहा है, ये पोजिशन को एग्जिट करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, ये जो स्टॉप लॉस मैंने लगाया है, इसको मॉडिफाई पे क्लिक करके सिर्फ मार्केट ऑर्डर पे मैं एग्जीक्यूट करा दूंगा। तो देखिए, अभी मैंने ये जो भी पोजीशन है, ये पोजीशन को एग्जिट करने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 16,000 के आसपास हमको प्रॉफिट मिला है। दोस्तों, इस स्क्रीन को मैंने एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, स्क्रीन को रिफ्रेश करने के बाद भी ये आपको सेम प्रॉफिट दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का मार्केट का मूवमेंट जैसा था उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने निफ्टी का 3 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न ओपन किया है। तो 3 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से मार्केट लगभग 14,775 रेंज के आसपास ये ओपन हुआ था और ये लेवल से काफी तेजी से 100 पॉइंट के आसपास इस पे बाइंग का मोमेंटम देखने के लिए मिला।
लेकिन 14,850 रेंज के आसपास इस पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने के लिए मिला और इसी लेवल से सेलिंग का पैटर्न फॉर्म करके ये मार्केट नीचे की तरफ आने लगा। लेकिन जिस लेवल के आसपास इस पे ओपनिंग देखने के लिए मिला था उसी लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने के लिए मिला और मार्केट ये लेवल से काफ़ी तेजी से फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाने लगा। लेकिन दोस्तों देखिए डबल टॉप लेवल के आसपास आने के बाद मार्केट पे दोबारा सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिला तो आज बेसिकली मार्केट 14,750 से लेकर 14,850 तो इसी रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रहा था। और देखिए ये लेवल के आसपास मार्केट पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने के लिए मिला और इसी लेवल से मार्केट काफी तेजी से ऊपर की तरफ आने लगा तो 14,750 रेंज से ये 14,880-870 रेंज के आसपास आया था। तो देखिए ये लेवल के आसपास 30,000 के आसपास हमको प्रॉफिट दिखा रहा था लेकिन इसी लेवल से मार्केट देखिए फिर दोबारा सेलिंग का प्रेशर इस पे देखने के लिए मिला। और देखिए ये लेवल के आसपास अगर आप देखोगे दोस्तों हमेशा हायर है हायर लो पैटर्न मतलब एक रेंज के अंदर इस पे हायर है हायर लो पैटर्न देखने के लिए मिल रहा था और इसी लेवल से काफ़ी तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ ही आ रहा था। और अगर आप ये लेवल के आसपास नोटिस करोगे ये 14,800 लेवल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल देखने के लिए मिल रहा था तो बेसिकली ये सपोर्ट का लेवल था रेजिस्टेंस का भी लेवल था क्योंकि ऑप्शन चेन के हिसाब से 14,800 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजी लाड हुए थे तो ये लेवल के आसपास देखिए मार्केट जब भी आता था इसी लेवल से मार्केट नीचे की तरफ जाता था। बेसिकली ये लेवल के आसपास थोड़ा बहुत सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों देखने के लिए मिल रहा था लेकिन देखिए बार बार ये लेवल के आसपास आने के बाद ये जो रेजिस्टेंस का लेवल था ये रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ गया था और ये 14,850-880 लेवल के आसपास आने के बाद दोबारा इस पे सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिला तो लास्ट हाफ एन आवर के अंदर ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास देखिए गिरावट देखने के लिए मिला है। लेकिन दोस्तों मार्केट का मूवमेंट कैसे ही हो अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ जाओगे तो नेट नेट आपको एक डिसेंट इनकम मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों अभी तक मैंने एसटीबीटी के ऊपर पोजीशन नहीं बनाया है तो चलिए एक बार एसटीबीटी के ऊपर पोजीशन बना लेते हैं। दोस्तों देखिए 14,500 का पुट एंड 15,050 का कॉल के ऊपर हम हमारी पोजीशन बना लिए हैं तो इसी पोजीशन को हम कंटिन्यू करके जाएंगे और कल सुबह सुबह 9:15 to 9:16 के अंदर हम हमारी जो भी प्रॉफिट आएगा या जो भी पोजीशन होगा वो पोजीशन को बुक करेंगे। ठीक है दोस्तों ये था आज हमारा लाइव ट्रेड और आज का लाइव ट्रेड पे 16,000 प्लस हमको प्रॉफिट मिला है। अगर आपको हमारे साथ डायरेक्ट लाइव मार्केट पे काम करना है तो मैंने मेरी व्हाट्सएप का नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे शेयर किया है तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो।